हेलो क्लास फोर्थ, वी वर डूइंग योर साइंस चैप्टर फिफ्थ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गैसेस। अ गैस हैज़ नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। गैस की कोई शेप, कोई आकार नहीं होता और वॉल्यूम नहीं होती। पार्टिकल्स इन गैस आर लूजली पैक्ड, क्योंकि जो गैस के पार्ट्स होते हैं वो लूज होते हैं बहुत। इस तरह से देखिए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस। दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्री टू मूव। वे एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और फ्री रहते हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। इन द स्पेस अवेलेबल टू देम, कोई भी गैस है वो हवा में इजीली मिल जाती है। सो अ गैस फिल्स द स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज टेक। इसलिए जो गैस है जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उसमें आ जाएगी। देखिए जैसे मैंने आपको लिक्विड के बारे में बताया था कि अगर कोई लिक्विड का वॉल्यूम 5 लीटर है तो वो 5 लीटर वाले कंटेनर में आएगी, उसे आप 3 लीटर में फिट नहीं कर सकते। लेकिन जो गैस है उसकी वॉल्यूम सेम नहीं होती है, क्योंकि जब आप गैस को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो बहुत सी गैस उड़ जाती है, हवा में मिल जाती है, इसलिए उसकी वॉल्यूम सेम नहीं रहती है। क्योंकि वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाते हुए उड़ जाती है, हवा में मिल जाती है। सो अ गैस फिल्स द स्पेस ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ट। इसलिए वो जिस भी कंटेनर में डालोगे तो उसमें ही आ जाएगी। अगर आप फाइव लीटर गैस को 3 लीटर वाले में डालोगे, जैसे कि आपका गैस सिलेंडर होता है, तो वो उसमें आ जाएगी, क्योंकि जो बची हुई गैस है वो उड़ जाएगी। मोस्ट ऑफ द गैसेज कैन नॉट बी सीन, आप गैस को देख नहीं सकते हैं। अधिकतर ऐसी गैसें होती हैं, एग्जाम्पल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जैसे कि एयर है, एयर भी गैस है, उसमें बहुत सारी गैस मिली हुई है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको एयर कभी भी दिखाई नहीं देगी। बट वी कैन नॉट सी दैम, आप इन्हें देख नहीं सकते हैं। गैसेज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूड्स, गैस भी फ्लूड होती हैं। दे फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक बह के चली जाती हैं। जैसे कि आपने घर पर देखा होगा, कभी कभी अगर आपका गैस सिलेंडर खुला रह जाए तो उसमें से स्मेल आती है, क्योंकि वहाँ पर गैस लीक हो रही होती है। इन फैक्ट गैस फ्लो फ्रॉम रैपिडली देन लिक्विड, वास्तव में जो गैस है वो लिक्विड से जल्दी बहती हैं, फैल जाती हैं। दैट इज़ वाई द स्मेल ऑफ परफ्यूम क्विकली स्प्रेड इन अ रूम एज सून एज इट्स बोटल इज ओपन। इसलिए जो परफ्यूम होता है उसकी बोटल खुलते ही उसकी जो स्मेल है पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सही गैस होती है। नेक्स्ट है हमारा चेंजेस ऑफ स्टेट, यानी कि किसी भी जो मैटर है उसकी स्टेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। मैटर कैन बी चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर, कोई भी पदार्थ है उसको आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं ऑन हीटिंग और कूलिंग। कैसे? उसको गर्म करके या ठंडा करके। जैसे कि आप पानी को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, भाप बन जाएगा, और ठंडा करेंगे तो वो आइस बन जाएगी। तो ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड, कोई भी सॉलिड है आप उसको गर्म करें तो वो लिक्विड बन जाएगा। जैसे कि मक्खन है, पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। बर्फ़ है, उसको गर्म करेंगे, पानी बन जाएगा उसका, तो वो लिक्विड हुआ। यू माइट हैव सीन आइस चेंज इनटू वाटर, आपने देखा होगा कि आइस मेल्ट होकर वाटर में बदल जाती है, क्योंकि अगर आइस को आप फ्रिज में नहीं रखते, बाहर रखते हैं, तो उसका बाहर टेम्परेचर फ्रिज के मुकाबले ज़्यादा होता है और आइस पिघल कर वाटर बन जाती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये देखिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। हीट मेक्स द पार्टिकल ऑफ सॉलिड टू मूव फास्टर, गर्मी, जब किसी भी सॉलिड को गर्मी मिलती है तो उसके पार्टिकल्स तेजी से चलने लगते हैं एंड मूव अपार्ट, और अलग हो जाते हैं। दस चेंजिंग इट इनटू लिक्विड, इसलिए वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। अब वो बता रहा है, सॉलिड को तो चेंज किया लिक्विड में गर्म करने से,
अब लिक्विड आल्सो चेंज इट्स स्टेट बाय हीटिंग, लिक्विड को भी अगर आप गर्म करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा, और कूलिंग उसे ठंडा करेंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा। ऑन हीटिंग अ लिक्विड चेंज इनटू गैस, अगर किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो गैस में बन जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, वो धुआं गैस होता है। यू कैन सी दिस वाइल बॉइलिंग द वाटर, आपने देखा होगा जब आप पानी गर्म करते हैं द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, पानी जो है वाटर वेपर से यानी कि जल वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। बॉइलिंग मेक्स द पार्टिकल्स मूव अपार्ट काजिंग द लिक्विड टू टर्न इनटू गैस, जब आप उस वाटर को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स तेजी से मूव होते हैं और पार्ट्स में बट जाते हैं, जिससे कि वाटर है जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाता है। इफ़ यू होल्ड अ स्टील प्लेट ओवर द पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, अगर आप गर्म किए गए वाटर के ऊपर स्टील की प्लेट रख दें, टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर आर सीन ऑन इट्स सरफेस, आप उस प्लेट के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें देखेंगे। दीज ड्रॉप्स आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ वाटर, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब पानी ठंडा हो गया, पहले आपने पानी को गर्म किया और उसकी जो है भाप बन गई, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब आपने गर्म पानी के ऊपर एक प्लेट रखी, उस प्लेट पर पानी की बूंदें जम गई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी अब ठंडा हो चुका है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, जब द प्रोसेस बाय विच गैस चेंज इनटू लिक्विड, जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है, यानी कि आपने पानी को गर्म किया था वो पहले भाप बना, अब उस भाप के ऊपर आपने प्लेट रखी तो वो हो गया, वो दोबारा से पानी बन गया, यानी कि गैस का लिक्विड बन गया, तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। ऑन कूलिंग अ लिक्विड इट चेंज इनटू अ सॉलिड, अब आप किसी भी लिक्विड को कूल यानी कि ठंडा करेंगे वो तो सॉलिड हो जाएगा, जैसे कि पानी की बर्फ बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इसे फ्रीजिंग कहते हैं। द पार्टिकल्स मूव क्लोजर ड्यूरिंग फ्रीजिंग, जब आप फ्रीजिंग करते हैं तो किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स हैं वो पास आ जाते हैं। दस वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग, इस तरह से आप किसी भी मैटर को ठंडा या गर्म करके उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर, और फॉर वी हैव कंप्लीटेड थ्री क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज हीटेड, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, जब आप क्या होता है जब आप पानी को गर्म करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपने अभी पढ़ा था, ये देखिए इसका आंसर है। वाइल बॉइलिंग द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये है आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर लिक्विड एंड गैसेस कॉल्ड फ्लूइड, लिक्विड और गैसेस को आप फ्लूइड क्यों कहते हैं, ये देखिए इसका आंसर ये है। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो ईजीली इज कॉल्ड फ्लूडिटी, दैट इज वाई यहाँ पे आप गैसेस लिख ले, गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो ये आज आपका होमवर्क है, आपको ये लेसन पढ़ना है और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख कर लर्न करना है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।